डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी का अल्फ़ाबेट टाइप करना सीखेंगे, जो हमारा हिंदी का पहला लेसन होगा। इसके लिए आपके सिस्टम में लीप ऑफिस, ये जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ पॉइंटर से, इंस्टॉल होना चाहिए। वर्जन है इसका 2000, आप कोई भी वर्जन से आप काम कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने जैसे लीप ऑफिस को खोला, और आप अगर कंप्यूटर जानते हैं तो ये सब पता होना चाहिए। ऊपर का जो है ये बार, टाइटल बार, ये फॉर्मेटिंग बार, ये आपका कीबोर्ड है। अब जैसे हिंदी टाइप करने के लिए आप टास्क बार में यहाँ देख लीजिए, ये हिंदी होना चाहिए और ये फोनेटिक होना चाहिए। लीप ऑफिस से बहुत से लैंग्वेज टाइप कर सकते हैं, जिसमें मैं हिंदी और बंगला बताऊंगा। तो ये अगर यहाँ जैसे बंगाली टाइप करना है तो हिंदी के जगह बंगाली लिखनी है, ऑलवेज हमेशा ये फोनेटिक होना चाहिए। अब जूम थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से जूम हमने बड़ा किया 200। सारे अल्फ़ाबेट टाइप करने के लिए जैसे अ टाइप करना है तो इसके लिए स्मॉल ए प्रेस करना, स्पेस बार, आ कैपिटल ए प्रेस किया, ई स्मॉल आई, ई के लिए कैपिटल आई, ओ के लिए यू प्रेस किया हमने, और ओ के लिए कैपिटल यू, ए के लिए स्मॉल ई यानी ई, और ए के लिए कैपिटल ई हमने प्रेस किया। शिफ्ट दबाकर या कैप्स ऑन करके भी कर सकते हैं आप। ओ के लिए ओ, ओ के लिए कैपिटल ओ, अंग के लिए स्मॉल ए प्लस कैपिटल एम, जिसमें हमने स्मॉल ए टाइप किया, अब शिफ्ट दबाकर प्लस एम यानी एम दबाएंगे शिफ्ट दबाकर, ये अंग हो गया आपका। आ के लिए ए एंड शिफ्ट दबाकर जो कॉलन का निशान होता है कीबोर्ड में उसको दबाएंगे, ए आ, स्पेस बार दिया। अब लिखना है क, इसके लिए के इंटर मार दे रहे, के फोर का ख लिखना है तो के एन एच एक साथ, के एन एच ख, गा के लिए हमने दी जी, घा के लिए जी एच, जी एन एच गा, अंगा के लिए कैपिटल एन एन जी, तो कैपिटल एन हमने दबाया जैसे कैपिटल एन ये आया, और इसके बाद आपको प्रेस करना है जी, तो अंगा बन जाएगा आपका ये। च के लिए सी, छ के लिए सी एच एच, दो बार एच दबाना है। ज के लिए जे, कैपिटल होने से मैं बोल दूंगा कि कैपिटल दबाना है। झ के लिए जे प्लस एच यानी जे दबाया और एच भी दबाया प्रेस किया एच झ, इया के लिए कैपिटल एन और हमने जे दबाया, ट के लिए टी,
टा दा बना तो कैपिटल टी। आप चाहे सिर्फ दबा के कर लें या कैप्स ऑन करके कर लें। ठ के लिए कैपिटल टी एंड एच, तो हमने कैपिटल टी दबाया और एच भी दबाया, प्रेस किया है ना। ठ डा के लिए कैपिटल डी यानी शिफ्ट डी डा, ढा के लिए की कैपिटल डी एंड एच, तो कैपिटल डी हमने प्रेस किया या दबाया और इसके बाद एच को भी दबाया ढा। ना के लिए कैपिटल एन ना, इंटर किया हमने। टा के लिए टी, था के लिए टी एन एच, तो हमने दबाया टी और एच को भी दबाया था। डा के लिए डी, धा के लिए डी और एच को भी दबाया डी एच धा। ना के लिए एन, प के लिए पी, फ के लिए पी एन एच यानी पी दबाया और एच को भी दबाया फ। ब के लिए बी, भ के लिए बी और एच, हमने पहले बी दबाया और एच भी दबाया कीबोर्ड का बटन। भ म के लिए एम, य के लिए वाई, र के लिए आर, ल के लिए एल, व के लिए डब्ल्यू, तालुसा के लिए एस आर एच को दबाया, पहले हमने एस दबाया और एच को दबाया तालुसा। मधनसा के लिए या पेट कटा मधनसा के लिए पेट कटा सा के लिए कैपिटल एस, याद रहे कैपिटल एस आर एच को दबाया ये। दंतसा के लिए ओनली एस स्मॉल एस। ह के लिए एच, कच के लिए कैपिटल के, कैपिटल एस, इसके बाद आपको एच दबाना कच। तरा के लिए टी और आर को दबाना तरा। ज्ञा के लिए आपको दबाना है डी, इसके बाद एन, इसके बाद वाई दबाने से ये ज्ञा बन जाएगा, नहीं बनता दोबारा देखिए डी एन वाई जैसे हमने दबाया ये ज्ञा। इस तरह ये सारे अल्फाबेट हिंदी का टाइप होते हैं। इसके बाद कुछ वर्ड मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद मैं पूरे सेंटेंस टाइप करके बताऊंगा। आप जैसे माँ पे या किसी वर्ड में चंद्र बिंदु लगाना था, हम जैसे हमने यहाँ पे एम दबाया माँ, इसमें चंद्र बिंदु लगाने के लिए फुल स्टॉप दबाएंगे, फुल स्टॉप कीबोर्ड में, ये नहीं है फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप दबाएंगे, उसके बाद कैपिटल एम दबाएंगे, ये चंद्र बिंदु लग जाता है। अब जैसे श्रीमान लिखना है, तो श्रीमान के लिए एस एच आर, एस एच आर श्री हो गया, इसके बाद शिफ्ट आई, श्री मान के लिए हमने एम दबाया
आकार के लिए ए दबाया, शिफ्ट दबा के, और एन के लिए, न के लिए हमने एन दबाया, श्रीमान। तो इस तरह वर्ड आएंगे। मैं आपको पूरे सेंटेंस में टाइप करके बताता रहूँगा। इसके अलावा आप जो टास्क बार में ये ज़रूर ध्यान रखेंगे, हिंदी है इधर जो राइट साइड में, ये फोनेटिक हमेशा होना चाहिए। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ये लैंग्वेज खुलेंगे, इंग्लिश आया, हिंदी आया, इस तरीके से कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसमें इस वक्त हिंदी दे रहा और आपको, अच्छा तो आज के लिए प्रैक्टिस कीजिए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फ़ोन नंबर, कोई भी परेशानी हो तो आप फ़ोन कर सकते हैं। यहाँ मैंने इंग्लिश कर लिया, लिखा हमने कैप्स लॉक ऑन करके ब्रेन टू ब्रेन, ब्रेन टू ब्रेन, मेरा फ़ोन नंबर है 8910992505। आज के लिए बस इतना ही, प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह मैं पूरी टाइपिंग के साथ बताऊंगा अगला लेसन में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।